तो स्टार रेटिंग स्टिकर आप देख रहे हैं, ये गोदरेज का मॉडल नंबर आप लोग के लिए एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, SIC 20 ITC 3 WWA 2023। ये एप्लीकेबल है जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, और इसका कूलिंग कैपेसिटी 100% पे है 5700, और पूरे साल का जो पावर कंजम्पशन है वो है 1131 यूनिट्स एक पूरे साल का, और ये 3-स्टार मॉडल है। बात करते हैं इंडोर के साइज़ की, जो इंडोर यूनिट है उसका साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना इंडोर यूनिट का साइज़ बड़ा रहता है उतना जो हीट एक्सचेंज का एरिया है वो भी ज़्यादा रहता है। जितना हीट एक्सचेंज का एरिया बेटर रहेगा उतना आपको जो कूलिंग रहती है वो रूम में वो और बेहतर होती है, फास्टर होती है। तो इंडोर का साइज़ आप देखिए, गोदरेज 1.7 टन जो एसी है ITC 20 ITC 3, उसका जो आप देखिए 1.7 टन का इंडोर का साइज़ है 1000 mm, तो 1000 mm का ये इंडोर है, तो आपको बहुत अच्छा इसमें एयर थ्रो भी मिलेगा और साथ ही साथ हीट एक्सचेंज जो है वो उसके लिए जगह बढ़ जाती है, तो फास्टर कूलिंग मिलता है। मॉडल इसमें भी 5-in-1 कन्वर्टेबल जो है वो मॉडल यहाँ पे फीचर जो आता है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गोदरेज का एक रिमोट है। ये रिमोट के अंदर आप देख सकते हैं कि 5-in-1 कन्वर्टेबल का जो बटन है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो 5-in-1 कन्वर्टेबल का जो बटन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप सेम जो वो मोड्स हैं वो लगा सकते हैं, जैसे 40% 60% 80% 100% लगा सकते हैं। पर गोदरेज लेने का फ़ायदा क्या है कि इसका जो पांचवा मोड है वो 110% है। 110% का मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला मोड है उसमें आप देखिए यहाँ पे कूलिंग कैपेसिटी हमने देखी थी 5700 1.7 टन की, तो जब आप इसको 110% पे लेके जाएंगे तो 6270 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ब्लू स्टार 2 टन होते हुए मैक्सिमम जा रहा है 6382, और ये 1.7 टन होके इसको अगर मैं 110% पे ले जाता हूँ तो 6270 कूलिंग कैपेसिटी ले जा सकते हैं। तो गोदरेज का जो 1.7 टन एसी है, इसमें एक बहुत ही यूनिक फीचर आता है जिसको बोलते हैं आईसेंस। आईसेंस जो है वो ब्लू स्टार के 4-way स्विंग है उसके सामने, बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें। आईसेंस में क्या है कि आपके रिमोट के अंदर एक बटन दिया हुआ है जिसका जिसके ऊपर लिखा होगा आईसेंस। जैसे ही आपने आईसेंस प्रेस किया तो होगा क्या कि आप रूम में जो साइड में बैठे हैं, रूम में जो भी कोने में बैठे हैं, वहाँ से आपने प्रेस किया आईसेंस, तो आईसेंस में क्या होगा कि आपने समझो एसी के अंदर रखा है टेम्परेचर 22 या 24, तो आप जो भी कोने बैठे वहाँ से आपने आईसेंस प्रेस किया तो सेम 24 डिग्री टेम्परेचर आपको वहाँ भी मिलेगा जहाँ से आपने रिमोट में आईसेंस प्रेस किया है। तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है, आपने वहाँ पे 4-way स्विंग देखा जिससे ये होगा कि आपको एयर थ्रो जो है वो लेफ्ट राइट मिल रहा है, पर कूलिंग में टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। पर यहाँ पर फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप रूम में जहाँ बैठे हैं वहाँ आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर मिलेगा जो आपके एसी के पैनल में आपको दिख रहा है, ये बेनिफिट है। तो आपके अगर आपके बेड अगर थोड़ा साइड में है या आप रूम में थोड़ा साइड में बैठ के काम करते हैं, आप जब जहाँ वर्क फ्रॉम होम वाला काम है या आपका टेबल साइड में है, तो वहाँ एग्जैक्टली आपको वहाँ पे सेम टेम्परेचर मिलेगा जो एसी में दिख रहा है। वहाँ पे आपको खाली एयर फ्लो मिल रहा है, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। इसके लिए कूलिंग के मामले में प्रॉपर सराउंड कूलिंग के मामले में गोदरेज का आईसेंस 4-way स्विंग से बेटर है। गोदरेज में आप अगर देखें तो आपको 3 फिल्टर मिल जाते हैं। 3 फिल्टर मतलब एक जो वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल फिल्टर था, यहाँ पे आता है नैनो कोटेड एंटीवायरल फिल्टर। नंबर 1 नैनो कोटेड एंटीवायरल फिल्टर क्या है कि सिल्वर कलर का फिल्टर आएगा आपको अंदर की साइड पे, और ये फिल्टर क्या होगा कि रूम में जब गर्म हवा जो एसी में जाती है खींचता है, तो वो वहाँ पे उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस जर्म्स है जब वो फिल्टर के साथ टच होंगे तो वो सारे ही बैक्टीरिया वायरस जर्म जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा फीचर है नैनो कोटेड एंटीवायरल फिल्टर, जो सिमिलर है ब्लू स्टार के एंटी माइक्रोबियल फिल्टर के साथ। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है आपको गोदरेज के अंदर जिसको बोलते हैं एक्टिव कार्बन फिल्टर। एक्टिव कार्बन क्या है, ब्लैक कलर का आपको फिल्टर आएगा अंदर बड़े साइज़ का, तो वो एक्टिव कार्बन फिल्टर क्या करेगा, जो रूम में हॉट एयर जब एसी में यहाँ से जाती है तो जब वो फिल्टर पे टच होगी तो वो हवा में से सारे ही बैड स्मेल जो है, फाउल स्मेल है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉक्स की है, नॉनवेज की है, या कोई भी कपड़ों की है, कुछ भी तरह की जो बैड स्मेल है, फाउल स्मेल है, उसको ये जो फिल्टर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपके रूम में जो स्मेल रह जाती है जिससे हो सकता है कि आप रूम में ना बैठ सकें, या बैक्टीरियल ग्रोथ हो, या आपके रूम का वातावरण ख़राब हो रहा है, तो ये सारे तरह के स्मेल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और रूम की हवा को और हाइजीनिक रखेगा। ये एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है गोदरेज में जो है
एक्टिव कार्बन फिल्टर जो वहाँ पे आपको ब्लू स्टार में अवेलेबल नहीं है। और एक तीसरा फिल्टर आता है जो आप ये देख सकते हैं, ये है डस्ट फिल्टर। यहाँ पे ये डस्ट फिल्टर क्या करेगा कि जैसे रूम में जो गर्म हवा आ रही है उसको, उसमें जो डस्ट होती है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जब हवा यहाँ से आती है तो यहीं पर रह जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स यहीं पर रह जाएंगे। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपके डायरेक्ट कॉइल्स पर डस्ट पार्टिकल लगेंगे नहीं, और हवा से जो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ रह गए तो क्लीन हवा जो है आपके रूम में आ जाएगी। जो होता है वो एसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जितना एयर थ्रो होगा, जितना एयर फ्लो ज़्यादा होगा, उतना आपका रूम में जो कूलिंग है वो और जल्दी हो सकती है और बेहतर एक समान हो सकती है। तो बात करते हैं एयर फ्लो की। पहले बात करते हैं गोदरेज में। तो गोदरेज का जो यूनिट है, इसका जो एयर थ्रो है वो है 710 CFM। 710 CFM मतलब जो एयर थ्रो होगा एक मिनट के अंदर, एक मिनट के अंदर गोदरेज का जो ये एसी है वो एक मिनट के अंदर 710 CFM जितना एयर थ्रो कर सकता है। मतलब CFM का मतलब है क्यूबिक फीट पर मिनट। क्यूबिक फीट पर मिनट का मतलब है कि एक मिनट के अंदर जो गोदरेज का जो एसी है वो 710 क्यूबिक फीट जितनी हवा इसमें से थ्रो कर सकता है। तो 710 CFM बहुत ही अच्छा एयर थ्रो है। इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका जो रूम है वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा, जल्द से जल्द ठंडा हो जाएगा, साथ ही साथ एक समान कूलिंग जो है वो रूम में मिलेगी। और जितना एयर थ्रो अच्छा रहेगा उतना आपका जो पावर सेविंग है वो भी होगा, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाएगा रूम तो कंप्रेसर अपनी स्पीड को कम कर सकता है और आपका पावर जो है वो सेव होगा। 710 CFM का एयर थ्रो गोदरेज में। बहुत ही अच्छा फीचर आता है जिसको बोलते हैं हाइजीन प्लस। हाइजीन प्लस क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार काफ़ी साल या काफ़ी महीने एसी जब चलता है उसके बाद उसकी कूलिंग जो है वो कम होने लगती है, कूलिंग कम होने लगती है, और जो रूम के अंदर स्मेल आती है जब जब कूलिंग हो रही होती है तब, या हो सकता है कि रूम के अंदर बैक्टीरिया वाली हवा आ रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो लंबे टाइम तक एसी को ना क्लीन करने से हो सकते हैं। तो गोदरेज के अंदर एक बहुत ही यूनिक फीचर दिया है, जैसे आप एक गोदरेज का रिमोट देख सकते हैं, इसके अंदर एक फीचर है हाइजीन प्लस। ये देखिए हाइजीन प्लस, ये गोदरेज का ये हाइजीन प्लस जो है ये क्या कर रहा है कि जब आप ये बटन को प्रेस करते हैं तो होगा क्या कि ये गोदरेज के जो एसी है इसके अंदर यहाँ पे पैनल के अंदर 5 लिखा हुआ आ जाएगा, 05। 05 का मतलब क्या है कि 5 मिनट का इसमें टाइमर चालू हो गया। अब आपने फॉर एग्जांपल हाइजीन प्लस का बटन यहाँ पे प्रेस किया, तो ये हाइजीन प्लस से होगा क्या कि आपने इसको प्रेस कर दिया, उसके बाद ये अपने मेमोरी में इसने ले लिया कि इसको क्लीनिंग करना है। फिर आप जब भी एसी को बंद करेंगे, आपने एसी को समझो अभी यूजेज हो गया, आपने बंद कर दिया, जैसे आप एसी को बंद करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ आ जाएगा, 05 पैनल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटडोर आपका बंद हो जाएगा कंप्रेसर, सिर्फ इनडोर चालू रहेगा। इनडोर में यहाँ पे 05 लिखा हुआ गया, टाइमर हो गया। ये 5 मिनट का साइकिल है, इसमें क्या होगा जो आपका ब्लोअर है, ब्लोअर जो रहेगा वो फास्ट स्पीड पे घूमेगा, और आपका जो कॉइल है वो कॉइल को ये कम्प्लीटली इसके ऊपर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर जो जम चुका है, मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि डस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, इससे रूम में स्मेल आती है या फिर रूम में बैक्टीरिया वाली हवा आती है, और हो सकता है कि इससे आपकी कूलिंग भी बहुत स्लो हो जाए। तो ये क्या करेगा, जो ब्लोअर है वो फास्ट स्पीड पे चल के जो कॉइल के ऊपर का जो 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 मॉइस्चर है उसको वो ड्राई कर देगा, सुखा देगा, जिससे मैक्सिमम जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या बैक्टीरिया है वो सारा आपके कॉइल्स पे से निकल जाएंगे। तो इससे आपके कॉइल्स की प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगी। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर वन कि आपका कॉइल्स एकदम क्लियर हो गए, जिससे हीट एक्सचेंज बेहतर हो जाएगा और आपकी कूलिंग और फास्ट हो जाएगी। सेकेंड, पावर आपका जो है वो वेस्ट नहीं होगा, पावर सेव होगा, और साथ ही साथ इसमें स्मेल वाली हवा या बैक्टीरिया वाली हवा रूम में नहीं आएगी, तो आपकी फैमिली की हेल्थ जो है, बच्चों की, बड़ों की, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो ये है हाइजीन प्लस। और इसका जो बटन है मैं आपको एक और बार यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो है बटन यहाँ पे रिमोट के अंदर आपको हाइजीन प्लस आएगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, 5 ही मिनट का फीचर है, एसी बंद होने के बाद चलेगा। तो गोदरेज के अंदर भी आपको 10 साल की कंप्रेसर वारंटी आ जाएगी और 5 साल की पीसीबी वारंटी, मतलब 10 साल तक कंप्रेसर का कोई भी खर्चा है वो यहाँ पे कवर्ड है, साथ ही साथ इनडोर और आउटडोर दोनों पीसीबी 5 साल तक कवर्ड है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर, जो सिमिलर फीचर हो गया, सिमिलर वारंटी हो गई दोनों ही ब्रांड्स के अंदर। अब गोदरेज में भी जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कि आप अगर ओवरऑल आपको पूरे प्रोडक्ट की वारंटी चाहिए तो आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, गोदरेज का जो एक वेबसाइट है गोदरेज
smartcare.com, godrejsmartcare.com पे आपको रजिस्टर करना है परचेज के 7 दिन के अंदर। और होगा क्या कि वहाँ पे आपने रजिस्टर कर दिया, सेकेंड ईयर से, दूसरे साल से गोदरेज में आपको हर साल 2 सर्विस कराना है। हर साल आपको 2 सर्विस कराएंगे अपनी एसी की। तो होगा क्या, सेकेंड ईयर से हर साल 2 सर्विस कराए, टोटल 2 सर्विस का लगभग आपको 1400 रुपये लगता है, 599 प्लस GST एक सर्विस का। तो आपने 2 सर्विस कराया, टोटल 1400 रुपये साल के लगे, पर उसमें फ़ायदा आपको ये हो गया कि पूरे साल का वारंटी आपको एक्सटेंड हो गया पूरे प्रोडक्ट का। तो आप अगर सेकेंड ईयर में 2 सर्विस कराते हैं, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर सब में 2-2 सर्विस कराते हैं, तो टोटल आपको 1+4 टोटल 5 ईयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है वो गोदरेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। सारे ही स्प्लिट एसी में ये प्रोवाइड हो रही है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि अगर आप 2 सर्विस कराते हैं सेकेंड ईयर से, बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये मिल रहा है कि यहाँ पे आपको विजिटिंग चार्ज भी नहीं लगेगा, कोई भी विजिटिंग चार्ज नहीं लगेगा, वो आपका पैसा सेव हो गया। प्लस आपको जो गैस चार्जिंग का पैसा है वो भी नहीं लगेगा। दोनों चीज़ें ये एक्सटेंडेड वारंटी में गोदरेज कवर कर रहा है। कंडीशन सिर्फ इतना है कि पहले परचेज के 7 दिन के अंदर godrejsmartcare.com पे रजिस्टर करिए, या ये एक SMS है ये भेज दीजिए ये नंबर पे, SXWAR आप भेज दीजिए ये नंबर पे, ये भी आप कर सकते हैं 7 दिन में, या godrejsmartcare.com पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है। सेकेंड ईयर से 2-2 सर्विस कराइए तो कंप्लीट प्रोडक्ट आपका 5 साल के लिए कवर्ड हो जाएगा। कोई विजिटिंग चार्ज नहीं, कोई गैस चार्जिंग का पैसा आपको नहीं पे करना है। तो वारंटी भले ही वहाँ पे 80 मंथ्स की हो, पर वहाँ पे ब्लू स्टार में आपको विजिटिंग चार्ज का भी पैसा, विजिटिंग का भी पैसा लिया जा रहा है, प्लस गैस चार्जिंग का भी लिया जा रहा है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो। पर यहाँ पे आप 4 साल एक्सटेंड कर सकते हैं वारंटी, इसमें आपको कोई विजिटिंग चार्ज और कोई भी तरह का जो गैस चार्जिंग का पैसा यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो कंप्रेसर वारंटी और PCB वारंटी दोनों में सेम है, पर कंप्लीट एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो गोदरेज का ब्लू स्टार से काफ़ी बेहतर है।